नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। ऐतिहासिक बघवाई मेले में दिखी कुमायूं की गौरवशाली परंपरा, क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट ने किया शुभारंभ। द्वारहाट विकासखंड के ऐतिहासिक बघवाली पोखर में पौराणिक बघवाई कौतिक। द्वारहाट विकासखंड के ऐतिहासिक बघवाली पोखर में पौराणिक बघवाई कौतिक बघवाली मेला में देवभूमि की गौरवशाली परंपरा का दीदार हुआ। पौराणिक बघवाई कौतिक का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मदन सिंह बिष्ट और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख दीपक किरौला ने रिबन काटकर किया। मंच पर कलाकारों ने लोक में रचे बसे गीतों पर थिरक पर्वतीय संस्कृति से रूबरू करवाया, वहीं माटी से जुड़े रहने का संदेश भी दिया। लोक गायकों ने फन का जादू बिखेर देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा। इधर दोपहर बाद बघवाली पोखर की वादियां हुड़की घमक व ढोल की थाप समेत गीतों से गूंजती रही। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के सांस्कृतिक इतिहास रहा है। जिले के ग्रामीण अंचल में आज भी कई परंपराएं कायम है। वहीं द्वारहाट के बघवाली पोखर में आज दीपावली के बाद भैया दूज पर होने वाली ऐसी ही एक परंपरा आज भी कायम है। यहां दीपावली के दौरान होने वाले भैया दूज, जिसे कुमायूं में बघवाल या बघवाली भी कहा जाता है, इसके अवसर पर मेले का आयोजन होता रहा है। कहा यह भी जाता है कि कभी यहां पोखर तालाब था जहां जल बघवाल खेली जाती थी और तब से ही इसका नाम बघवाली पोखर हो गया। जन श्रुतियों के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहां कुछ समय बिताया था। ये भी कहा जाता है कि आसपास के लोग दीपावली के बाद बघवाल के दिन जल बघवाल यानी परंपरागत जल युद्ध भी करते थे। इसमें जीतने वाला धड़ा क्षेत्र में कर वसूली करता था। एक बार इस परंपरा को निभाने में कई लोगों की जान चली गई, तब से इस पोखर यानी तालाब को ढक दिया गया और इसने एक मैदान का रूप ले लिया। हालांकि इससे जुड़े भंडर गांव के थोकदार आज भी यहां ओढ़ा फेंटने की रस्म अदायगी करते हैं। इस बार पौराणिक पोखर स्थल में निर्माण कार्य चलने के कारण मेला भवन का नौला क्षेत्र में लगाया गया। आज के इस कार्यक्रम में कपकोट विधायक सुरेश सिंह गड़िया, पलायन आयोग के सदस्य अनिल शाही मौजूद रहे। देखिए, ये बड़ा पौराणिक किला है। इसमें बघवाल के उस पर हमारे यहाँ से डोला उठता है, उस भंडरगांव के हमारे ग्राम सभा में भंडरगांव है, जिसमें घोड़ा का घटन होता है, जिस तरीके से दौराट के अंदर। ये बड़ा पौराणिक बघवाल का मेला है। इसमें हमारे यहाँ की एक प्रथा है, जितने भी करलो घाटी के लोग हैं वो सभी इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। स्थान स्थान पर बघवाल मेले होते हैं। उन्हीं बघवाल मेलों से में से एक मेला बघवाई का मेला हमारे अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट ब्लॉक के बघवाली पोखर क्षेत्र में होता है। इसको बघवाई का कौतिक कहते हैं। ये भैया दूज के दिन मनाया जाता है हर वर्ष। भंडर गांव के थोकदार और प्रधान के प्रतिनिधित्व में यहाँ पर नगाड़े आते हैं, दो जोड़ी निशान आते हैं, श्रृंगार वगैरह करते हुए सारे मेलार्थी खेलते कूदते गाते यहाँ आते हैं। ओड़ा भेजते की रस्म होती है जो बघवाली पोखर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के पास है। यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे के ऊपर यह ओड़ा स्थित है और सामने ही मंच है, रामलीला मंच है। इस वर्ष इसका पुनर्निर्माण हो रहा है और यही कारण है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ से कुछ दूरी पर भमकानौला में आयोजित किया गया है। लेकिन ओड़ा भेजने की रस्म क्योंकि ऐतिहासिक ओड़ा यहीं पर है, परंपरा अनुसार यहीं पर ओड़ा भेजने की रस्म करते हुए सारे हमारे भंडर गांव के जितने भी नागरिक हैं, बाल बच्चे वृद्ध जो भी यहाँ पर ओड़ा भेजने की रस्म करते हैं, उसके बाद वो अपने अलग अलग स्थानों को चले जाते हैं।